नमस्कार दोस्तों, भूपेन्द्र सिंह फिर से आप सभी का एग्जाम गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक खुशखबरी निकल कर आई है कि जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे, आप सबको पता है कि सरकार ने एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने का वादा किया है और सभी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को आदेश कर दिए कि एक सप्ताह में सभी को नियुक्ति पत्र जारी करें। तो दोस्तों, उस समय छात्र के मन में कुछ आशंका उत्पन्न हो रही है कि एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र कैसे जारी होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता चलें कि आपके सामने 68,500 का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उन्होंने कितनी जल्दी काम किया था। दोस्तों, उसी को ध्यान रखते हमने यह एक वीडियो बनाई है जो आपके लिए बहुत ही मार्गदर्शन का कार्य करेगी कि काउंसलिंग के समय पर क्या करें, अगर शपथ पत्र नहीं है तो तब क्या करें, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या जिस स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर खो गया है वो क्या करे, और किन दशा में क्या क्या करना है। दोस्तों, इन सभी को ध्यान रखते हमने एक ये वीडियो तैयार करी है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होते हैं वो भी हम आपको देते हैं और साथ में हमारी वीडियो के द्वारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, 49 शिक्षक भर्ती पर राज्य सरकार की तैयारी देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि बहुत लोगों की बहुत बड़ी आ रही हैं कि राज्य सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया है कि एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र जाएगा। तब से सभी लोग परेशान हैं, किसी के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी के पास में मोबाइल नंबर नहीं है आदि बहुत प्रकार की समस्या है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के जजमेंट आने के बाद प्रदेश के सभी मंत्रियों के ट्वीट भी आने लगे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने आदेश कर दिया है तो सभी मंत्री उन्हीं के अकॉर्डिंग ही अपने में ट्वीट कर रहे हैं और छात्रों से कह भी रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जो संशोधित आंसर किए रिजल्ट और फॉर्म की साइट शुरू करने में एक सप्ताह का समय निकल जाएगा। फॉर्म में क्या बनना, आप सबको बता चलें कि जो फॉर्म होएगा कि उसमें आपको क्या बनना, आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और उसी ओटीपी से आपका फॉर्म होगा जिसमें आपको रोल नंबर और ओटीपी भरना है। तत्पश्चात एक विस्तृत फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको 75 जिलों का ऑप्शन भरा होगा। इसके बाद फॉर्म सबमिट होगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि 75 डिस्ट्रिक्ट में भरने के बाद कम से कम शासन को 4 दिन का समय लगेगा आपको सबको जिला आवंटन करने के पश्चात सरकार द्वारा जिला आवंटन का रिजल्ट अपलोड किया जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको काउंसलिंग करानी है। इसके पश्चात आप आवंटित जिले में जाकर काउंसलिंग करानी होगी, लेकिन काउंसलिंग अभी होना असंभव नहीं है क्योंकि यूपी के बहुत जिलों में लॉकडाउन मतलब रेड जोन है जहां पर ऑनलाइन की सुविधा, साइबर कैफे या आने जाने की पाबंदी है। बहुत से अन्य प्रकार के अन्य प्रदेश में फंसे हुए हैं, इसलिए काउंसलिंग की इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अब आप सामने क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कौन से हैं कि क्या है, देखिए कि फॉर्म में क्या क्या भरें, कि फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, मात्र आपके पास में मोबाइल हो, हाई स्पीड नेट हो। अगर ऑनलाइन शुरू हो तो क्या आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसा कि आप सबको बता चलें कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स अन्य संस्थाओं में फंसे हुए हैं या जो 12,460 या अन्य भर्तियों में हैं उनके डॉक्यूमेंट्स कार्यालय में जमा हैं, डाइट पर जमा है, तो वो क्या करें। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होती है तो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तब आप आवंटित जिले में आपको नोटिस पत्र बनवा कर देना होगा कि हम 15 से 20 दिन में आपको कागज़ जमा कर देंगे। बहुत लोग 49 शिक्षक भर्ती में यूपी टेट फॉर्म में कम नंबर और ज़्यादा नंबर हो गए हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि रिजल्ट आने के बाद शासन द्वारा 1-2 नंबर सबके बढ़ाए गए हैं। बहुत से लोगों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बंद हो गया तो याद नहीं है। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनके लिए सरकार ऑनलाइन मोबाइल नंबर संशोधन का रास्ता बताएगी, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ऑनलाइन देगी कि जिससे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आपका मोबाइल नंबर सही करना होगा। बहुत से लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए छूट दी जाएगी जिससे आपको एफिडेविट से संबंधित BSA को जमा करना होगा और एफिडेविट में क्या लिखना होगा उसकी जानकारी BSA ऑफिस से आपको मिल जाएगी।
उन्हें भर्ती में कितने लोग पास है इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मात्र अनुमान लगाया जा सकता है कि एक अनुमान के अनुसार 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी पास होंगे, जिसमें से फ्रेश 70 से 80 हज़ार होंगे जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस का फॉर्म भरेंगे। विशेष आरक्षण वाले अभ्यर्थी कितने पर पास माने जाएंगे? विशेष आरक्षण एक्स सर्विसमैन दिव्य कोटा फ्रीडम फाइटर सभी 60 पर जाने के 90 अंक इनको लाने हैं। किसी के लिए इसमें कोई छूट इसमें नहीं दी गई है कि सभी को 90 अंक अवश्य ही लाने हैं। जाति निवास कितने पुराना होना चाहिए? जाति निवास ऑनलाइन होना चाहिए, कितना पुराना चलेगा? जाति प्रमाण पत्र किसके नाम होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र किसके नाम होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी का नाम है तब भी सही है, अगर पिता के नाम से तब भी दोनों ही वैलिड हैं। संशोधित आंसर की में कितने नंबर बढ़ेंगे? उम्मीद है कि 2 या 2 से ज़्यादा PNP नहीं बढ़ाएगा। आपको उन प्रश्नों के नंबर मिल चुके हैं जो आपको नंबर बढ़ेंगे, यह विवाद नहीं है। मार्कशीट और डिग्रिया में गलतियां हैं, काउंसलिंग समस्या होगी? अगर छोटी छोटी समस्या है तो काउंसलिंग कराया जाएगा, वहाँ तहसील से आपको नोटरी बनानी पड़ेगी। नोटरी में क्या लिखना होगा ये BSA ऑफिस से प्राप्त हो जाएगा। ओमर शीट और कार्बन कॉपी खो गई है? अगर ओमर शीट और कार्बन कॉपी की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के जवाब मिल गए होंगे कि बहुत कॉमन प्रश्न है, उन्हीं का उत्तर दिया गया जो सामान्य प्रश्न को लेकर थे और सतर्क श्वेत रहे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। आपका अपना भूपेंद्र सिंह।